ये वीडियो अम्बाला में कल शाम से खूब वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे सकता है कि गुंडागर्दी अम्बाला में पूरे चरम पर है, क्योंकि इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी जो हैं उन्हें पीटा जा रहा है। और आपको बता दें कि ये वीडियो जो है वो कल रात से सोशल मीडिया पर चर्चाएं बटोर रहा है, क्योंकि अम्बाला में ऐसी गुंडागर्दी आज से पहले नहीं देखी गई है। तो कल रात से हम भी इस वीडियो की पड़ताल में जुटे हैं, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो वायरल हो रहा था, कहीं पर भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि वीडियो कब का है और कहाँ का है और किस इलाके का है, कौन इस वीडियो में पुलिसकर्मी हैं, कौन शख्स हैं जो पुलिसकर्मियों को पीटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वीडियो की पूरी रात लगाकर हमने पड़ताल की है, तो अब इस वीडियो को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। और आपको बता दें कि हम बिल्कुल उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर यह वीडियो जो है वो बनाया गया था, जहां पर पुलिस चौकी नंबर 2 के 2 पुलिस मुलाजिमों को गुंडागर्दी की जो सीमाएं पार करते हुए बदमाश जो गुंडा तत्व हैं उनकी द्वारा पीटा गया था। और मेरे पीछे जो आपको जगह दिखाई दे रही है जहां पर एक गाड़ी जो स्कॉर्पियो है खड़ी हुई नज़र आ रही है, उसके आगे एक जो टैंकर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, यह वीडियो बिल्कुल इसी जगह का था। और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे साथ साथ तो ये वीडियो जो है वो बिल्कुल जिस समय पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो दूसरी तरफ से गश्त करते हुए आ रहे थे, यानी कि अगर हम बात करें रेलवे रोड से जो SA जैन सीनियर मॉडल स्कूल है उस तरफ आने वाली रोड की, तो ये वीडियो उस सड़क का है। और तस्वीरों में जो आपको नज़र आ रही है जगह वो बिल्कुल अम्बेडकर चौक पर है। और इस मामले को लेकर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बिल्कुल इसी स्पॉट का वीडियो है जहाँ पर पुलिस कर्मचारियों को बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा गया था, ईंटें जो हैं वो तक पुलिस कर्मियों पर बरसाई गई थी। और वीडियो कल रात से खूब वायरल हो रहा था, तो इस वीडियो की हमने पड़ताल की है। तो वीडियो की हकीकत क्या है, क्या ये पूरा मामला हुआ था, वो जानने के लिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहिएगा, ताकि अम्बाला की जनता को पता चल सके कि पूरे मामले की क्या सच्चाई थी और पूरे मामले में आखिर अब क्या हो रहा है, कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि लोगों को कानून भूलकर, कानून के नियम भूलकर, जो हम कह सकते हैं कि एक लिमिटेशंस हैं आम नागरिक की, वो भूलकर इस तरह से गुंडागर्दी का नंगा नाच अम्बाला की सड़कों पर दिखाया गया, उसकी क्या वजह थी। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो कल शाम का है, कल रात का है, तो ये सरासर गलत बात फैलाई जा रही है। आपको बता दें कि ये वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं 18 अगस्त का है, 18 अगस्त 2021 का ये वीडियो है। और इस मामले में अब पुलिस जो है वो बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में जुट गई है, पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई इस मामले में दिखाई देगी। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में 2 पुलिस कर्मचारी नज़र आ रहे हैं, हालाँकि हम उनकी पहचान जो है उसका खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन तस्वीरों में हम आपको साथ साथ वो FIR दिखा रहे हैं जो इस वीडियो को लेकर अब दर्ज कर ली गई है। इस वीडियो में जो गुंडागर्दी हुई है उसको लेकर FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है, वो हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि इस मामले में पुलिस ने जो है लगभग कम से कम अगर हम बात करें तो 5 लोग जो हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। IPC की धाराओं की अगर मैं बात करूं तो 148, 149, 186, 189, 332, 353, 504, 506 के तहत जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। तो अब पुलिस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई में जुट गई है। और आपको बता दें कि 18 अगस्त का ये वीडियो है, और पूरी जानकारी हम आपको बता दें कि हालांकि अभी इस मामले को लेकर, क्योंकि पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस की साख से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस की इज्जत और रुतबे से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस मामले में कोई भी पुलिस का कर्मचारी अधिकारी फिलहाल खुलकर मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कुछ भी कहने से वो कतरा रहे हैं। लेकिन हमने जानकारी जो जुटाई है वो ये है कि 18 अगस्त की रात को 2 पुलिस कर्मचारी जो पुलिस चौकी नंबर 2 में तैनात हैं वो रूटीन की गश्त के दौरान यहाँ से गुजर रहे थे, और पीछे सड़क के किनारे बैठे कुछ लोग शराब पी रहे थे, कुछ लोग वहाँ पर देर रात तक बैठे थे, जिन्हें पुलिस कर्मचारियों ने टोका कि गैर वक्त हो गया है, समय बेहद ज़्यादा हो गया है, आप घर जाइए। और इसी को लेकर पुलिस कर्मियों पर उन लोगों ने हमला बोल दिया था, धावा बोल दिया था। और वीडियो में आपने देखा है कि किस तरह से बिना किसी कानून के डर के, बिना किसी, हम ये कह सकते हैं कि भय के, किस तरह से पुलिस कर्मचारियों को घेर कर यहाँ पर निशाना बनाया गया था। तो अब इस मामले में FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है, तो कहीं ना कहीं खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने अम्बाला की सड़कों पर इस तरह का गुंडा राज दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात आपको बता दें कि 18 अगस्त का ये मामला था, इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की दी गई थी, तो ये भी जानकारी हमने जुटाई है कि इस मामले को लेकर कुछ मौजूद व्यक्ति जो हैं वो पुलिस चौकी पहुँचे थे, इलाके के लोग पुलिस चौकी पहुँचे थे, जिन्होंने इस घटना पर खेद व्यक्त किया था, जिन्होंने इस घटना को लेकर कहा था कि गलती हो गई है, दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। और उस वक्त मामला जो है वो लोगों की लाज शर्म को देखते हुए, लोगों की इज्जत को देखते हुए, एक तरह से ये कह सकते हैं कि पंचायत को देखते हुए उस समय मामले को शांत कर दिया गया था, रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन
जो FIR अब दर्ज की गई है उसमें जिक्र किया गया है कि एक बार फिर जब पुलिस के वही मुलाजिम इस चौक से गुजर रहे थे तो वही शख्स यहाँ पर बैठे थे और उनकी तरफ से दोबारा उन्हें देखकर वो हंसे और कहा गया कि 18 तारीख की जो वारदात थी, 18 तारीख को जो किया गया था उसे फिर से दोहराना पड़ेगा। इस तरह की धमकी जो है वो वहाँ से दी गई थी, तो उसको लेकर एक बार फिर ये बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है और पुलिस ने जो पूरी मामले की कार्रवाई है उसकी तैयारी शुरू कर दी है। FIR दर्ज कर ली है, इन लोगों की जो पहचान है वो कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं अभी हम आपको ये भी बता दें कि खुद अम्बाला के SP हामिद अख्तर जो हैं वो इस मामले को देख रहे हैं, खुद उनकी निगरानी में ये पूरा मामला है, सख्ती के साथ इससे निपटने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिलहाल वो वायरल वीडियो भी हम आपको एक बार साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से वीडियो जो है वो खूब वायरल हुआ था, जिसमें सरेआम दो पुलिसकर्मियों को पीटा जा रहा है, उन पर हाथ उठाए जा रहे हैं, ईंट तक से हमला जो है वो पुलिसकर्मियों पर किया जा रहा है। तो ये वीडियो अम्बाला में खूब वायरल हुआ था और इस वीडियो की पड़ताल अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ ने की है और उसमें खुलासा एक बार जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े उन्हें बता दें। लेकिन उससे पहले दर्शकों से गुजारिश, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए क्योंकि कल रात से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जरूर किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या थी, हकीकत क्या थी वो किसी ने अभी तक नहीं बताई है। तो अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ ने दायित्व निभाया है, जिम्मेदारी निभाई है, पूरी सटीक जानकारी आप तक लेकर पहुँचे हैं। और बता दें कि 18 अगस्त का ये वीडियो है जिसे वायरल कल ही किया गया है और वायरल वीडियो के आधार पर अब पुलिस ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है, कार्रवाई करती हुई पुलिस नजर आई है। मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं यही वो जगह है जहां पर पुलिस कर्मचारियों को पीटा गया था, पुलिस कर्मचारियों के साथ हाथापाई की गई थी, ये वही जगह है, ये वही सड़क है। और आपको बता दें कि जब आप रेलवे रोड से SHN सीनियर मॉडल स्कूल पहुंचते हैं तो अम्बेडकर चौक से चंद कदम की दूरी पर ये जो सड़क है इसी पर पुलिस कर्मियों के साथ बर्बरता की गई थी, पुलिस कर्मियों पर हाथ उठाया गया था और उस वक्त पंचायत को देखते हुए, लोगों को देखते हुए मामला जो है रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर जब उन लोगों ने, इन गुंडा तत्वों ने पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को धमकी दी तो अब FIR दर्ज कर ली गई है। और आपको बता दें कि उस रात भी जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और इन लोगों को जब गैर वक्त तक बैठने के लिए पुलिस ने टोका तो इन लोगों ने हमला कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस का अगला क्या एक्शन होगा वो अपडेट भी आपके सामने लेकर बेहद जल्द हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल तमाम खबरों की, सही और सटीक खबरों के लिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ को देखते रहिएगा, हमें फेसबुक पर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और मोबाइल स्क्रीन पर अपडेट पाने के लिए प्ले स्टोर से अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करें। यह वीडियो अम्बाला में कल शाम से खूब वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे सकता है कि गुंडागर्दी अम्बाला में पूरे चरम पर है, क्योंकि इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी जो हैं उन्हें पीटा जा रहा है। और आपको बता दें कि ये वीडियो जो है वो कल रात से सोशल मीडिया पर चर्चाएं बटोर रहा है क्योंकि अम्बाला में ऐसी गुंडागर्दी आज से पहले नहीं देखी गई है। तो कल रात से हम भी इस वीडियो की पड़ताल में जुटे हैं क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो वायरल हो रहा था कहीं पर भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि वीडियो कब का है और कहाँ का है और किस इलाके का है, कौन इस वीडियो में पुलिसकर्मी हैं, कौन शख्स हैं जो पुलिसकर्मियों को पीटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वीडियो की पूरी रात लगाकर हमने पड़ताल की है तो अब इस वीडियो को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। और आपको बता दें कि हम बिल्कुल उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर यह वीडियो जो है वो बनाया गया था, जहां पर पुलिस चौकी नंबर 2 के 2 पुलिस मुलाजिमों को गुंडागर्दी की जो सीमाएं पार करते हुए बदमाश जो गुंडा तत्व हैं उनकी द्वारा पीटा गया था। और मेरे पीछे जो आपको जगह दिखाई दे रही है जहां पर एक गाड़ी जो स्कॉर्पियो है खड़ी हुई नज़र आ रही है, उसके आगे एक जो टैंकर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, यह वीडियो बिल्कुल इसी जगह का था। और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे साथ साथ तो ये वीडियो जो है वो बिल्कुल जिस समय पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो दूसरी तरफ से गश्त करते हुए आ रहे थे, यानी कि अगर हम बात करें रेलवे रोड से जो SHN सीनियर मॉडल स्कूल है उस तरफ आने वाली रोड की, तो ये वीडियो उस सड़क का है। और तस्वीरों में जो आपको नज़र आ रही है जगह वो बिल्कुल अम्बेडकर चौक पर है। और इस मामले को लेकर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बिल्कुल इसी स्पॉट का वीडियो है जहाँ पर
पुलिस कर्मचारियों को बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा गया था। ईंटें जो हैं वो तक पुलिस कर्मियों पर बरसाई गई थी और वीडियो कल रात से खूब वायरल हो रहा था। तो इस वीडियो की हमने पड़ताल की है, तो वीडियो की हकीकत क्या है, क्या ये पूरा मामला हुआ था, वो जानने के लिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि अंबाला की जनता को पता चल सके कि पूरे मामले की क्या सच्चाई थी और पूरे मामले में आखिर अब क्या हो रहा है, कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि लोगों को कानून भूलकर, कानून के नियम भूलकर, जो हम कह सकते हैं कि एक लिमिटेशंस हैं आम नागरिक की, वो भूलकर इस तरह से गुंडागर्दी का नंगा नाच अंबाला की सड़कों पर दिखाया गया, उसकी क्या वजह थी। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो कल शाम का है, कल रात का है, तो ये सरासर गलत बात फैलाई जा रही है। आपको बता दें कि ये वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं 18 अगस्त का है, 18 अगस्त 2021 का ये वीडियो है। और इस मामले में अब पुलिस जो है वो बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में जुट गई है, पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई इस मामले में दिखाई देगी। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में दो पुलिस कर्मचारी नज़र आ रहे हैं, हालांकि हम उनकी पहचान जो है उसका खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन तस्वीरों में हम आपको साथ साथ वो FIR दिखा रहे हैं जो इस वीडियो को लेकर अब दर्ज कर ली गई है। इस वीडियो में जो गुंडागर्दी हुई है उसको लेकर FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है, वो हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि इस मामले में पुलिस ने जो है लगभग कम से कम अगर हम बात करें तो 5 लोग जो हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। IPC की धाराओं की अगर मैं बात करूं तो 148, 149, 186, 189, 332, 353, 504, 506 के तहत जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। तो अब पुलिस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई में जुट गई है। और आपको बता दें कि 18 अगस्त का ये वीडियो है, और पूरी जानकारी हम आपको बता दें कि हालांकि अभी इस मामले को लेकर, क्योंकि पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस की साख से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस की इज्जत और रुतबे से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस मामले में कोई भी पुलिस का कर्मचारी अधिकारी फिलहाल खुलकर मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कुछ भी कहने से वो कतरा रहे हैं। लेकिन हमने जानकारी जो जुटाई है वो ये है कि 18 अगस्त की रात को दो पुलिस कर्मचारी जो पुलिस चौकी नंबर 2 में तैनात हैं, वो रूटीन की गश्त के दौरान यहाँ से गुजर रहे थे और पीछे सड़क के किनारे बैठे कुछ लोग शराब पी रहे थे, कुछ लोग वहाँ पर देर रात तक बैठे थे, जिन्हें पुलिस कर्मचारियों ने टोका कि गैर वक्त हो गया है, समय बेहद ज़्यादा हो गया है, आप घर जाइए। और इसी को लेकर पुलिस कर्मियों पर उन लोगों ने हमला बोल दिया था, धावा बोल दिया था। और वीडियो में आपने देखा है कि किस तरह से बिना किसी कानून के डर के, बिना किसी, हम ये कह सकते हैं कि भय के, किस तरह से पुलिस कर्मचारियों को घेर कर यहाँ पर निशाना बनाया गया था। तो अब इस मामले में FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है, तो कहीं ना कहीं खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने अंबाला की सड़कों पर इस तरह का गुंडा राज दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात आपको बता दें कि 18 अगस्त का ये मामला था, इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की दी गई थी, तो ये भी जानकारी हमने जुटाई है कि इस मामले को लेकर कुछ मौजूद व्यक्ति जो हैं वो पुलिस चौकी पहुँचे थे, इलाके के लोग पुलिस चौकी पहुँचे थे, जिन्होंने इस घटना पर खेद व्यक्त किया था, जिन्होंने इस घटना को लेकर कहा था कि गलती हो गई है, दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। और उस वक्त मामला जो है वो लोगों की लाज शर्म को देखते हुए, लोगों की इज्जत को देखते हुए, एक तरह से ये कह सकते हैं कि पंचायत को देखते हुए उस समय मामले को शांत कर दिया गया था, रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन जो FIR अब दर्ज की गई है उसमें जिक्र किया गया है कि एक बार फिर जब पुलिस के वही मुलाजिम इस चौक से गुजर रहे थे तो वही शख्स यहां पर बैठे थे और उनकी तरफ से दोबारा उन्हें देखकर वो हंसे, और कहा गया कि 18 तारीख की जो वारदात थी, 18 तारीख को जो किया गया था उसे फिर से दोहराना पड़ेगा, इस तरह की धमकी जो है वो वहां से दी गई थी। तो उसको लेकर एक बार फिर ये बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है, और पुलिस ने जो पूरी मामले की कार्रवाई है उसकी तैयारी शुरू कर दी है, FIR दर्ज कर ली है, लोगों की जो पहचान है वो कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं अभी हम आपको ये भी बता दें कि खुद अंबाला के SP हामिद अख्तर जो हैं वो इस मामले को देख रहे हैं, खुद उनकी निगरानी में ये पूरा मामला है, सख्ती के साथ इससे निपटने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिलहाल वो वायरल वीडियो भी हम आपको एक बार साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से वीडियो जो है वो खूब वायरल हुआ था, जिसमें सरेआम दो पुलिस कर्मियों को पीटा जा रहा है, उन पर हाथ उठाए जा रहे हैं, ईंट तक से हमला जो है वो पुलिस कर्मियों पर किया जा रहा है। तो ये वीडियो अंबाला में खूब वायरल हुआ था, और इस वीडियो की पड़ताल अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ ने की है, और उसमें खुलासा एक बार जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें। लेकिन उससे पहले दर्शकों से गुजारिश, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कल रात से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जरूर किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या थी, हकीकत क्या थी, वो किसी ने अभी तक नहीं बताई है। तो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ ने दायित्व निभाया है, जिम्मेदारी निभाई है, पूरी सटीक जानकारी आप तक लेकर पहुँचे हैं। और बता दें कि 18 अगस्त का ये वीडियो है जिसे वायरल कल ही किया गया है, और वायरल वीडियो के आधार पर अब पुलिस ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है, कार्रवाई करती हुई पुलिस नजर आई है। मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं यही वो जगह है जहां पर पुलिस कर्मचारियों को पीटा गया था, पुलिस कर्मचारियों के साथ
हाथापाई की गई थी, ये वही जगह है, ये वही सड़क है। और आपको बता दें कि जब आप रेलवे रोड से एस ए जैन सीनियर मॉडल स्कूल पहुंचते हैं तो अंबेडकर चौक से चंद कदम की दूरी पर ये जो सड़क है, इसी पर पुलिसकर्मियों के साथ बर्बरता की गई थी, पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाया गया था। और उस वक्त पंचायत को देखते हुए, लोगों को देखते हुए मामला जो है रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर जब उन लोगों ने, इन गुंडा तत्वों ने पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को धमकी दी, तो अब FIR दर्ज कर ली गई है। और आपको बता दें कि उस रात भी जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, और इन लोगों को जब गैर वक्त तक बैठने के लिए पुलिस ने टोका तो इन लोगों ने हमला कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस का अगला क्या एक्शन होगा वो अपडेट भी आपके सामने लेकर बेहद जल्द हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल तमाम खबरों की, सही और सटीक खबरों के लिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ को देखते रहिएगा। हमें फेसबुक पर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, और मोबाइल स्क्रीन पर अपडेट पाने के लिए प्ले स्टोर से अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। ये वीडियो अंबाला में कल शाम से खूब वायरल हो रहा है, और वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे सकता है कि गुंडागर्दी अंबाला में पूरे चरम पर है। क्योंकि इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी जो हैं उन्हें पीटा जा रहा है। और आपको बता दें कि ये वीडियो जो है वो कल रात से सोशल मीडिया पर चर्चाएं बटोर रहा है, क्योंकि अंबाला में ऐसी गुंडागर्दी आज से पहले नहीं देखी गई है। तो कल रात से हम भी इस वीडियो की पड़ताल में जुटे हैं, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो वायरल हो रहा था, कहीं पर भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि वीडियो कब का है और कहाँ का है और किस इलाके का है, कौन इस वीडियो में पुलिसकर्मी हैं, कौन शख्स हैं जो पुलिसकर्मियों को पीटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वीडियो की पूरी रात लगाकर हमने पड़ताल की है, तो अब इस वीडियो को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। और आपको बता दें कि हम बिल्कुल उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर ये वीडियो जो है वो बनाया गया था, जहां पर पुलिस चौकी नंबर 2 के 2 पुलिस मुलाजिमों को गुंडागर्दी की जो सीमाएं पार करते हुए बदमाश जो गुंडा तत्व हैं उनके द्वारा पीटा गया था। और मेरे पीछे जो आपको जगह दिखाई दे रही है, जहां पर एक गाड़ी जो स्कॉर्पियो है खड़ी हुई नज़र आ रही है, उसके आगे एक जो टैंकर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये वीडियो बिल्कुल इसी जगह का था। और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे साथ साथ, तो ये वीडियो जो है वो बिल्कुल जिस समय पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो दूसरी तरफ से गश्त करते हुए आ रहे थे, यानी कि अगर हम बात करें रेलवे रोड से जो एस ए जैन सीनियर मॉडल स्कूल है उस तरफ आने वाली रोड की, तो ये वीडियो उस सड़क का है। और तस्वीरों में जो आपको नज़र आ रही है जगह, वो बिल्कुल अंबेडकर चौक पर है। और इस मामले को लेकर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल इसी स्पॉट का वीडियो है जहाँ पर पुलिस कर्मचारियों को बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा गया था। ईंटें जो हैं वो तक पुलिस कर्मियों पर बरसाई गई थी, और वीडियो कल रात से खूब वायरल हो रहा था। तो इस वीडियो की हमने पड़ताल की है, तो वीडियो की हकीकत क्या है, क्या ये पूरा मामला हुआ था, वो जानने के लिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि अंबाला की जनता को पता चल सके कि पूरे मामले की क्या सच्चाई थी, और पूरे मामले में आखिर अब क्या हो रहा है, कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि लोगों को कानून भूलकर, कानून के नियम भूलकर, जो हम कह सकते हैं कि एक लिमिटेशंस हैं आम नागरिक की, वो भूलकर इस तरह से गुंडागर्दी का नंगा नाच अंबाला की सड़कों पर दिखाया गया, उसकी क्या वजह थी। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो कल शाम का है, कल रात का है, तो ये सरासर गलत बात फैलाई जा रही है। आपको बता दें कि ये वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं 18 अगस्त का है, 18 अगस्त 2021 का ये वीडियो है। और इस मामले में अब पुलिस जो है वो बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में जुट गई है, पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई इस मामले में दिखाई देगी। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में 2 पुलिस कर्मचारी नज़र आ रहे हैं, हालांकि हम उनकी पहचान जो है उसका खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन तस्वीरों में हम आपको साथ साथ वो FIR दिखा रहे हैं।
जो इस वीडियो को लेकर अब दर्ज कर ली गई है, इस वीडियो में जो गुंडागर्दी हुई है उसको लेकर FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है, वो हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि इस मामले में पुलिस ने जो है लगभग कम से कम अगर हम बात करें तो 5 लोग जो हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। IPC की धाराओं की अगर मैं बात करूं तो 148, 149, 186, 189, 332, 353, 504, 506 के तहत जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। तो अब पुलिस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई में जुट गई है। और आपको बता दें कि 18 अगस्त का ये वीडियो है और पूरी जानकारी हम आपको बता दें कि हालांकि अभी इस मामले को लेकर, क्योंकि पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस की साख से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस की इज्जत और रुतबे से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस मामले में कोई भी पुलिस का कर्मचारी अधिकारी फिलहाल खुलकर मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कुछ भी कहने से वो कतरा रहे हैं। लेकिन हमने जानकारी जो जुटाई है वो ये है कि 18 अगस्त की रात को 2 पुलिस कर्मचारी जो पुलिस चौकी नंबर 2 में तैनात हैं, वो रूटीन की गश्त के दौरान यहाँ से गुजर रहे थे और पीछे सड़क के किनारे बैठे कुछ लोग शराब पी रहे थे, कुछ लोग वहाँ पर देर रात तक बैठे थे, जिन्हें पुलिस कर्मचारियों ने टोका कि गैर वक्त हो गया है, समय बेहद ज़्यादा हो गया है, आप घर जाइए। और इसी को लेकर पुलिस कर्मियों पर उन लोगों ने हमला बोल दिया था, धावा बोल दिया था। और वीडियो में आपने देखा है कि किस तरह से बिना किसी कानून के डर के, बिना किसी, हम ये कह सकते हैं कि भय के, किस तरह से पुलिस कर्मचारियों को घेर कर यहाँ पर निशाना बनाया गया था। तो अब इस मामले में FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है, तो कहीं ना कहीं खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने अंबाला की सड़कों पर इस तरह का गुंडा राज दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात आपको बता दें कि 18 अगस्त का ये मामला था, इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की दी गई थी, तो ये भी जानकारी हमने जुटाई है कि इस मामले को लेकर कुछ मौजूद व्यक्ति जो हैं वो पुलिस चौकी पहुँचे थे, इलाके के लोग पुलिस चौकी पहुँचे थे, जिन्होंने इस घटना पर खेद व्यक्त किया था, जिन्होंने इस घटना को लेकर कहा था कि गलती हो गई है, दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। और उस वक्त मामला जो है वो लोगों की लाज शर्म को देखते हुए, लोगों की इज्जत को देखते हुए, एक तरह से ये कह सकते हैं कि पंचायत को देखते हुए उस समय मामले को शांत कर दिया गया था, रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन जो FIR अब दर्ज की गई है उसमें जिक्र किया गया है कि एक बार फिर जब पुलिस के वही मुलाजिम इस चौक से गुजर रहे थे तो वही शख्स यहां पर बैठे थे और उनकी तरफ से दोबारा उन्हें देखकर वो हंसे और कहा गया कि 18 तारीख की जो वारदात थी, 18 तारीख को जो किया गया था उसे फिर से दोहराना पड़ेगा, इस तरह की धमकी जो है वो वहां से दी गई थी। तो उसको लेकर एक बार फिर ये बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है और पुलिस ने जो पूरी मामले की कार्रवाई है उसकी तैयारी शुरू कर दी है, FIR दर्ज कर ली है, इन लोगों की जो पहचान है वो कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं अभी हम आपको ये भी बता दें कि खुद अंबाला के SP हामिद अख्तर जो हैं वो इस मामले को देख रहे हैं, खुद उनकी निगरानी में ये पूरा मामला है, सख्ती के साथ इससे निपटने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिलहाल वो वायरल वीडियो भी हम आपको एक बार साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से वीडियो जो है वो खूब वायरल हुआ था, जिसमें सरेआम 2 पुलिसकर्मियों को पीटा जा रहा है, उन पर हाथ उठाए जा रहे हैं, ईंट तक से हमला जो है वो पुलिसकर्मियों पर किया जा रहा है। तो ये वीडियो अंबाला में खूब वायरल हुआ था और इस वीडियो की पड़ताल अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ ने की है और उसमें खुलासा एक बार जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें। लेकिन उससे पहले दर्शकों से गुजारिश, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कल रात से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जरूर किया जा रहा है लेकिन सच्चाई क्या थी, हकीकत क्या थी, वो किसी ने अभी तक नहीं बताई है। तो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ ने दायित्व निभाया है, जिम्मेदारी निभाई है, पूरी सटीक जानकारी आप तक लेकर पहुँचे हैं। और बता दें कि 18 अगस्त का ये वीडियो है जिसे वायरल कल ही किया गया है और वायरल वीडियो के आधार पर अब पुलिस ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है, कार्रवाई करती हुई पुलिस नजर आई है। मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं यही वो जगह है जहां पर पुलिस कर्मचारियों को पीटा गया था, पुलिस कर्मचारियों के साथ हाथापाई की गई थी, ये वही जगह है, ये वही सड़क है। और आपको बता दें कि जब आप रेलवे रोड से SHN सीनियर मॉडल स्कूल पहुंचते हैं तो अंबेडकर चौक से चंद कदम की दूरी पर ये जो सड़क है इसी पर पुलिस कर्मियों के साथ बर्बरता की गई थी, पुलिस कर्मियों पर हाथ उठाया गया था और उस वक्त पंचायत को देखते हुए, लोगों को देखते हुए मामला जो है रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर जब उन लोगों ने, इन गुंडा तत्वों ने पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को धमकी दी तो अब FIR दर्ज कर ली गई है। और आपको बता दें कि उस रात भी जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और इन लोगों को जब गैर वक्त तक बैठने के लिए पुलिस ने टोका तो इन लोगों ने हमला कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस का अगला क्या एक्शन होगा वो अपडेट भी आपके सामने लेकर बेहद जल्द हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल तमाम खबरों की, सही और सटीक खबरों के लिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ को देखते रहिएगा, हमें फेसबुक पर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पर हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और मोबाइल स्क्रीन पर अपडेट पाने के लिए प्ले स्टोर से अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करें। Yeah।
ये वीडियो अम्बाला में कल शाम से खूब वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे सकता है कि गुंडागर्दी अम्बाला में पूरे चरम पर है, क्योंकि इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी जो हैं उन्हें पीटा जा रहा है। और आपको बता दें कि ये वीडियो जो है वो कल रात से सोशल मीडिया पर चर्चाएं बटोर रहा है, क्योंकि अम्बाला में ऐसी गुंडागर्दी आज से पहले नहीं देखी गई है। तो कल रात से हम भी इस वीडियो की पड़ताल में जुटे हैं, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो वायरल हो रहा था कहीं पर भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि वीडियो कब का है और कहाँ का है और किस इलाके का है, कौन इस वीडियो में पुलिसकर्मी हैं, कौन शख्स हैं जो पुलिसकर्मियों को पीटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वीडियो की पूरी रात लगाकर हमने पड़ताल की है, तो अब इस वीडियो को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। और आपको बता दें कि हम बिल्कुल उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर यह वीडियो जो है वो बनाया गया था, जहां पर पुलिस चौकी नंबर 2 के 2 पुलिस मुलाजिमों को गुंडागर्दी की जो सीमाएं पार करते हुए बदमाश जो गुंडा तत्व हैं उनके द्वारा पीटा गया था। और मेरे पीछे जो आपको जगह दिखाई दे रही है जहां पर एक गाड़ी जो स्कॉर्पियो है खड़ी हुई नज़र आ रही है, उसके आगे एक जो टैंकर खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, यह वीडियो बिल्कुल इसी जगह का था। और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे साथ साथ तो ये वीडियो जो है वो बिल्कुल जिस समय पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो दूसरी तरफ से गश्त करते हुए आ रहे थे, यानी कि अगर हम बात करें रेलवे रोड से जो एसए जैन सीनियर मॉडल स्कूल है उस तरफ आने वाली रोड की, तो ये वीडियो उस सड़क का है। और तस्वीरों में जो आपको नज़र आ रही है जगह वो बिल्कुल अम्बेडकर चौक पर है। और इस मामले को लेकर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बिल्कुल इसी स्पॉट का वीडियो है जहाँ पर पुलिस कर्मचारियों को बड़ी ही बेरहमी के साथ पीटा गया था। ईंटें जो हैं वो तक पुलिस कर्मियों पर बरसाई गई थी और वीडियो कल रात से खूब वायरल हो रहा था। तो इस वीडियो की हमने पड़ताल की है, तो वीडियो की हकीकत क्या है, क्या ये पूरा मामला हुआ था, वो जानने के लिए खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहिएगा ताकि अम्बाला की जनता को पता चल सके कि पूरे मामले की क्या सच्चाई थी और पूरे मामले में आखिर अब क्या हो रहा है, कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि लोगों को कानून भूलकर, कानून के नियम भूलकर, जो हम कह सकते हैं कि एक लिमिटेशंस हैं आम नागरिक की, वो भूलकर इस तरह से गुंडागर्दी का नंगा नाच अम्बाला की सड़कों पर दिखाया गया, उसकी क्या वजह थी। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये वीडियो कल शाम का है, कल रात का है, तो ये सरासर गलत बात फैलाई जा रही है। आपको बता दें कि ये वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं 18 अगस्त का है, 18 अगस्त 2021 का ये वीडियो है। और इस मामले में अब पुलिस जो है वो बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में जुट गई है, पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई इस मामले में दिखाई देगी। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में 2 पुलिस कर्मचारी नज़र आ रहे हैं, हालांकि हम उनकी पहचान जो है उसका खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन तस्वीरों में हम आपको साथ साथ वो FIR दिखा रहे हैं जो इस वीडियो को लेकर अब दर्ज कर ली गई है। इस वीडियो में जो गुंडागर्दी हुई है उसको लेकर FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है, वो हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि इस मामले में पुलिस ने जो है लगभग कम से कम अगर हम बात करें तो 5 लोग जो हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। IPC की धाराओं की अगर मैं बात करूं तो 148, 149, 186, 189, 332, 353, 504, 506 के तहत जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है। तो अब पुलिस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई में जुट गई है। और आपको बता दें कि 18 अगस्त का ये वीडियो है, और पूरी जानकारी हम आपको बता दें कि हालांकि अभी इस मामले को लेकर, क्योंकि पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस की साख से जुड़ा हुआ मामला है, पुलिस की इज्जत और रुतबे से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस मामले में कोई भी पुलिस का कर्मचारी अधिकारी फिलहाल खुलकर मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कुछ भी कहने से वो कतरा रहे हैं। लेकिन हमने जानकारी जो जुटाई है वो ये है कि 18 अगस्त की रात को 2 पुलिस कर्मचारी जो पुलिस चौकी नंबर 2 में तैनात हैं वो रूटीन की गश्त के दौरान यहाँ से गुजर रहे थे और पीछे सड़क के किनारे बैठे कुछ लोग शराब पी रहे थे, कुछ लोग वहाँ पर देर रात तक बैठे थे, जिन्हें पुलिस कर्मचारियों ने टोका कि गैर वक्त हो गया है, समय बेहद ज़्यादा हो गया है, आप घर जाइए। और इसी को लेकर पुलिस कर्मियों पर उन लोगों ने हमला बोल दिया था, धावा बोल दिया था। और वीडियो में आपने देखा है कि किस तरह से बिना किसी कानून के डर के, बिना किसी हम ये कह सकते हैं कि भय के, किस तरह से पुलिस कर्मचारियों को घेर कर यहाँ पर निशाना बनाया गया था। तो अब इस मामले में FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है, तो कहीं ना कहीं खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने अम्बाला की सड़कों पर इस तरह का गुंडा राज दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात आपको बता दें कि 18 अगस्त का ये मामला था, इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की दी गई थी, तो ये भी जानकारी हमने जुटाई है कि इस मामले को लेकर कुछ मौजूद व्यक्ति जो हैं वो पुलिस चौकी पहुँचे थे, इलाके के लोग पुलिस चौकी पहुँचे थे, जिन्होंने इस घटना पर खेद व्यक्त किया था, जिन्होंने इस घटना को लेकर कहा था कि गलती हो गई है, दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। और उस वक्त मामला जो है वो लोगों की लाज शर्म को देखते हुए, लोगों की इज्जत को देखते हुए, एक तरह से ये कह सकते हैं कि पंचायत को देखते हुए उस समय मामले को
शांत कर दिया गया था, रफा दफा कर दिया गया था, लेकिन जो FIR अब दर्ज की गई है उसमें जिक्र किया गया है कि एक बार फिर जब पुलिस के वही मुलाजिम इस चौक से गुजर रहे थे तो वही शख्स यहां पर बैठे थे और उनकी तरफ से दोबारा उन्हें देखकर वो हंसे और कहा गया कि 18 तारीख की जो वारदात थी, 18 तारीख को जो किया गया था उसे फिर से दोहराना पड़ेगा। इस तरह की धमकी जो है वो वहां से दी गई थी, तो उसको लेकर एक बार फिर ये बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है और पुलिस ने जो पूरी मामले की कार्रवाई है उसकी तैयारी शुरू कर दी है, FIR दर्ज कर ली है, लोगों की जो पहचान है वो कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं अभी हम आपको ये भी बता दें कि खुद अंबाला के SP हामिद अख्तर जो हैं वो इस मामले को देख रहे हैं, खुद उनकी निगरानी में ये पूरा मामला है, सख्ती के साथ इससे निपटने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिलहाल वो वायरल वीडियो भी हम आपको एक बार साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से वीडियो जो है वो खूब वायरल हुआ था, जिसमें सरेआम दो पुलिसकर्मियों को पीटा जा रहा है, उन पर हाथ उठाए जा रहे हैं, ईंट तक से हमला जो है वो पुलिसकर्मियों पर किया जा रहा है। तो ये वीडियो अंबाला में खूब वायरल हुआ था और इस वीडियो की पड़ताल अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ ने की है और उसमें खुलासा एक बार जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें। लेकिन उससे पहले दर्शकों से गुजारिश, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कल रात से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जरूर किया जा रहा है लेकिन सच्चाई क्या थी, हकीकत क्या थी, वो किसी ने अभी तक नहीं बताई है। तो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ ने दायित्व निभाया है, जिम्मेदारी निभाई है, पूरी सटीक जानकारी आप तक लेकर पहुँचे हैं। और बता दें कि 18 अगस्त का ये वीडियो है जिसे वायरल कल ही किया गया है और वायरल वीडियो के आधार पर अब पुलिस ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है, कार्रवाई करती हुई पुलिस नजर आई है। मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं यही वो जगह है जहां पर पुलिस कर्मचारियों को पीटा गया था, पुलिस कर्मचारियों के साथ हाथापाई की गई थी, ये वही जगह है, ये वही सड़क है। और आपको बता दें कि जब आप रेलवे रोड से SAJN सीनियर मॉडल स्कूल पहुंचते हैं तो अम्बेडकर चौक से चंद कदम की दूरी पर ये जो सड़क है इसी पर पुलिसकर्मियों के साथ बर्बरता की गई थी, पुलिसकर्मियों पर हाथ उठाया गया था और उस वक्त पंचायत को देखते हुए, लोगों को देखते हुए मामला जो है रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर जब उन लोगों ने, इन गुंडा तत्वों ने पुलिस अधिकारियों को, कर्मचारियों को धमकी दी तो अब FIR दर्ज कर ली गई है। और आपको बता दें कि उस रात भी जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और इन लोगों को जब गैर वक्त तक बैठने के लिए पुलिस ने टोका तो इन लोगों ने हमला कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस का अगला क्या एक्शन होगा वो अपडेट भी आपके सामने लेकर बेहद जल्द हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल तमाम खबरों की, सही और सटीक खबरों के लिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ को देखते रहिएगा, हमें फेसबुक पर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और मोबाइल स्क्रीन पर अपडेट पाने के लिए प्ले स्टोर से अंबाला ब्रेकिंग